भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वच्छता अभियान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत आज दिल्ली के बाहर प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर हजारों कार्यकर्ताओं को स्वच्छता अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को दिखाया गया और इसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक स्वच्छता अभियान चलाकर पखवाड़े की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल ने कहा कि भव्य भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ वातावरण और उसके लिए स्वच्छता काफी जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, सरकार स्वच्छता के लिए हर एक दिन अथक प्रयास कर रही है और पूरे देश में कई सामाजिक संस्थाएं नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता के प्रयास को देश के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सुख और समृद्धि के लिए जीवन में कई प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ न हो तो सारे संसाधन बेकार और बोने साबित होते हैं और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने समाज में कई प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उनके मन में इच्छा है भारत दुनिया का सुखी समृद्ध स्वस्थ देश बने और इसके लिए आवश्यक है कि देश में स्वच्छता का वातावरण बने। स्वच्छता का वातावरण बनाने में जो सरकार कुछ काम करती है उन्होंने पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास किया है। लाल किले से उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया है और तब से पूरे देश भर में स्वच्छता का एक ऐसा वातावरण बना है, जगह जगह आपको सहज रूप से स्वच्छता दिखाई देने लगी है। आज से लेकर 2 अक्टूबर तक उन्होंने स्वच्छता का एक महाअभियान शुरू किया है और आज पूरे देश भर में 3 लाख स्थानों पर करोड़ों लोगों से उन्होंने संवाद स्थापित किया है, जिसमें स्वच्छता कर्मी से लेकर के स्वच्छता आग्रही से लेकर के समाज के प्रतिष्ठित लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता पूरे देश भर में आज उनका भाषण सुन करके और स्वच्छता के अभियान में जुट गए। अगर किसी के दिल में आज के स्वच्छता अभियान को जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान है अच्छा लगता है तो 15 तारीख से 2 अक्टूबर तक गांधी जी के स्वच्छता का जो लक्ष्य था उसको नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभियान का हिस्सा बना लिया है, तो जो भी इसमें सहयोग करना चाहता है बिना भीड़ भाड़ के, क्योंकि अभी तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ हो गई है, हम अगर स्वच्छता अभियान चलाना भी चाह रहे हैं तो भीड़ में थोड़ी परेशानी भी होती है, लेकिन इसको सब लोग अपने दिल में उतार ले, भारत स्वच्छ होगा, सड़कों पे भी, मन में भी, मस्तिष्क में भी, तभी हम एक नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप सभी आ जाए, आप सभी को धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने उसी दिन कहा था स्वच्छ भारत अभियान, हम पूरे भारत को स्वच्छ करेंगे। उसी के निमित्त हर वर्ष हम बड़े स्तर पर सफाई अभियान को चलाते हैं। आज भी पूरे एक सप्ताह का ये हमारे सफाई का अभियान है जो हमारे इस लोकसभा में इस खजूरी चौक से प्रारंभ होने जा रहा है। जो स्वच्छता पखवाड़ा है निरंतर चल रहा था, इसमें ढीला बनना है इसे और तेजी के साथ किया जाए, इसलिए मोदी जी ने दोबारा से एक लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये कार्यक्रम चालू किया है और आज से इसका शुभारंभ करने 2 अक्टूबर तक चालू रहेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी राष्ट्र के निवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने समाज, अपने गले मोहल्ले क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाकर इस कार्यक्रम को सफाई देखिए सफाई कर्मचारी की कुछ समस्या है उसको लेकर वो हड़ताल पर है, मगर ये कार्यक्रम हम जन जागरण के लिए चला रहे हैं। इस स्वच्छता पखवाड़े को हम जन जन तक लेकर जा रहे हैं, हर गली और मोहल्ले के निवासी के पास लेकर जा रहे हैं और लोगों को जोड़कर इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जन चेतना का कार्यक्रम सेवा लोगों को जागरूक करने का एक नया जरिया ढूंढा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना जितना हम लोगों से जुड़ेंगे, लोगों को बताएंगे कि स्वच्छता सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का डिपार्टमेंट का काम नहीं, इस पूरे देश का काम है, हर एक नागरिक का काम है।
जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तब तक ये देश स्वस्थगी नहीं लग पाएगा। आज मानव शौचालय हर जगह पर आ गए, लेकिन उस शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है। उसी के लिए ये प्रोग्राम चल रहे हैं स्वच्छ सेवा आहार, इसकी इस प्रोग्राम के तहत हम सब एक एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मंत्र को गली गली तक पहुंचाना और दिल्ली के हर एक नागरिक को इस अभियान से जोड़ना है, क्योंकि हम सबका यह दायित्व है कि जो लोग हमारी गली मोहल्ला प्रदेश और देश की स्वच्छता में कार्यरत हैं, हमें उनको सम्मान देना चाहिए, जिससे स्वच्छ सरकार से न सिर्फ सफाई होती है बल्कि सुख समृद्धि और खुशहाली का वातावरण तैयार होता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो देश की तरक्की खुशहाली और समृद्धि के लिए असली मायने में सफाई करने वाले कर्मचारी अपना खून पसीना बहाते हैं। हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हर एक दिन एक घंटा स्वच्छता के लिए जरूर देंगे, स्वस्थ और समृद्ध भारत की तस्वीर सुनिश्चित करेंगे। संदीप कुमार के साथ दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। स्टेट में जो टीम बैठी हुई है उनका परिचय भी कराया, वो स्वच्छता अभियान के लिए क्या कर रहे हैं ये भी हम लोगों को बताया, और कई जगह लोग बैठे हैं उसका दृश्य हमको नहीं दिखा, जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं यहाँ। What are you doing?